दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये नेट और साड़ी के जो ब्लाउज आते हैं उनमें से ये डोरमेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो ये मैंने 5 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज इन दोनों कपड़ों में से मैं बनाऊंगी डोरमेट, इन वाले दोनों कपड़ों में से, और इस कपड़े की मैं लगाऊंगी लेस। तो किस तरीके से बनाऊंगी मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले कपड़े में से पहले गोल आकार का कट करेंगे। कट हम इस तरह से करेंगे। ये मैंने 2 बार मोड़ लिया है। तो इस तरीके से हम गोलाकार कट करेंगे। यहाँ पे उंगली रखेंगे सेंटर पर, इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे। इसकी एक नोक बना लेंगे। देखो, अब इसे गोलाकार में निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे उंगली रखे रहेंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। इससे क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से गोल कट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरा गोलाकार का कपड़ा कट हो गया है, देखो। तो इसी कपड़े के नाप का इस वाले कपड़े को कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये वाले दोनों कपड़े गोलाकार में कट कर लिए हैं। अब इस पे क्या करेंगे, आरपिन लगाएंगे ताकि अच्छे से इस पे सिलाई हो जाए, ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। अगर आपके पास आरपिन नहीं है तो आप बड़े बड़े धागे भी भर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये आरपिन लगा लिए। ऐसे ही किनारियों पे आरपिन लगा लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये आरपिन लगाई है, फिर बाकी मैंने ये बड़े बड़े धागे सिलाइयों से भी लगाए हैं। तो इस पे सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से ये मैंने 4-4 इंची की पट्टियां कट की हैं। देखो, 4-4 इंची की पट्टियां कट की हैं। तो इसे डबल करके इस तरह से किनारियों पर रखेंगे उल्टी की तरफ से। देखिए इस तरीके से हम अपनी सिलाई करेंगे, उल्टी की तरफ से और सीधे की तरफ ऐसे इस तरीके से मोड़ देंगे। देखो, इधर की साइड भी गंदा सा नहीं लग रहा है और इधर की साइड को इस तरह से चौड़ाई में किनारी लगेगी। ऐसे ही हम अपनी किनारी लगा लेंगे। तो ये मैंने किनारी रख लिया दोनों तरफ से और आरपिन निकाल दिए, तो ये बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।